वीडियो देखने वालों को नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारतीय नौसेना के बारे में, हमारी नेवी का जो चाइना के ऊपर एक एडवांटेज है उसको समझेंगे, और साथ में इस एडवांटेज की आज के समय में क्या स्थिति है और भविष्य में क्या चीज़ें हो सकती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो भारतीय नेवी जो है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी जो है नेवी है, और हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो समझने के लिए इस मैप को देखना पड़ेगा। तो ये मैप देखिए, और इस मैप में जो आप एरिया देख रहे हैं नीचे वाला, ये वाला पूरा एरिया ये है इंडियन ओशन रीजन। तो यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा एरिया है वो इंडियन ओशन रीजन कहलाता है, हिंद महासागर। अब इस एरिया की खास बात यह है कि दुनिया का मैक्सिमम ट्रेड जो है वो यहाँ से निकलता है। अब जैसे चाइना का भी जो ट्रेड होता है, चाइना के कुछ पोर्ट इधर हैं, कुछ पोर्ट इधर हैं हांगकॉन्ग वगैरह पे, यहाँ से चाइना का सामान जो है इधर से होते हुए जाता है इस तरीके से, और उनका जो ट्रेड जो है अफ्रीका के साथ होता है, यूरोप के साथ होता है इस तरीके से। तो यहाँ से जो है आपका स्वेज कैनाल आ जाता है, जहाँ से आपकी यूरोप से कनेक्टिविटी होती है। फिर इधर जो है आपका तेल वेल लेने वाला काम हो जाता है, ईरान, इराक, सऊदी अरब वगैरह यहाँ से जो है निकलते हैं, यहाँ से तेल के कंटेनर, और यहाँ से होते हुए जो है निकलते हैं चाइना। हमारा एडवांटेज ये है कि ये जो पास है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलाका, ये बहुत ही छोटा सा एरिया है, एक नैरो पास है, यहाँ से जो है सबको गुजरना पड़ता है। ये जो है हमारा एडवांटेज है। और जस्ट इसके माउथ पर, जस्ट इसके मुंह पर यहाँ पे आता है अंडमान निकोबार आइलैंड, जो कि हमारा है, और यहाँ पे हमारा एक स्ट्रॉन्ग नेवल बेस है। तो अगर हमको चाइना का ट्रेड रोकना है तो बड़ा आसान काम है हमारे लिए। हमारी नेवी जाएगी, कुछ डिस्ट्रॉयर, कुछ वॉरशिप जो है इस स्ट्रेट ऑफ मलाका के माउथ पर जो है वो डिप्लॉय कर देगी, और यहाँ से चाइना के शिप आना जाना जो है वो बंद हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे पास। अब चाइना को अगर इससे लड़ना है तो यहाँ से चाइना को अपना लेके आना पड़ेगा सारा साजो सामान, और इधर आके लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल वाटर है, उसका एरिया भी नहीं है, तो यहाँ तक सप्लाई मेंटेन करना भी उसके लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो ये हमारा बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, जिसका इस्तेमाल अगर हम करें तो हम चाइना की इकोनॉमी को ही बर्बाद कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका यहाँ से ट्रेड ही नहीं होगा तो फिर इकोनॉमी नहीं बच पाएगी आपकी। और एक और फ़ायदा ये है कि हम यहाँ पर भी ब्लॉकेट कर सकते हैं इस एरिया में, यहाँ से चाइना का तेल जाता है पूरा, तो यहाँ पर भी हम अगर ब्लॉकेट करें तो यहाँ पर भी बड़ा डैमेज जो है हम चाइना को कर सकते हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज है, और इसी एक बड़े एडवांटेज के कारण जो है चाइना हमसे कोई बड़ी लड़ाई जो है लड़ना नहीं चाहता, ना ही जो है पाकिस्तान के साथ जो भी हमारी लड़ाई हो उसमें वो बीच में नहीं कूदा, क्योंकि वो समझता था कि यहाँ से हमने कुछ कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि चाइना के मुकाबले हमारी नेवी जो है उस समय काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी। तो ये हमारा जो है एक बड़ा सा फ़ायदा हो गया। अब चाइना इस कमज़ोरी को बड़े ही अच्छे तरीके से समझता है कि उसकी कमज़ोरी क्या है। अब इस कमज़ोरी को काउंटर करने के लिए, इसका कुछ इलाज करने के लिए वो भी तो कुछ कर रहा होगा, तो उसको समझते हैं कि वो क्या कर रहा है। तो चाइना जो है बना रहा है वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट। तो वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट जो है भारत के इसी एडवांटेज को काउंटर करने के लिए किया जा रहा है। तो यहाँ चाइना जो है सड़कें बना रहा है कई सारे देशों से होते हुए, उन सारे देशों को अपने इस प्रोजेक्ट में जोड़ रहा है, और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होना है, जो पैसा चाहिए वो उन देशों को दे भी रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, चाइना को एक नया रास्ता मिलेगा। अगर भारत ने फ्यूचर में कभी जो है यहाँ कहीं ब्लॉकेट कर दिया तो चाइना को एक रास्ता जो है मिल जाएगा, ये जो ऑरेंज वाला आप रास्ता देख रहे हैं वो मिल जाएगा। तो यहाँ जो कि चाइना के पोर्ट्स वगैरह आ जाते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो कि इस एरिया में लगी हैं, यहाँ से जो है इधर से होते हुए जो है वो यूरोप में पहुँचेंगी, फिर जो है यहाँ से पहुँचेंगी और अरब देशों तक जो है पहुँच जाएंगी। और एक रास्ता जो है ऐसा बनाया जा रहा है जिससे जो है वो यहाँ से खाड़ी देशों तक पहुँच जाएंगी पाकिस्तान के होते हुए। तो जो ग्वादर पोर्ट बनाया जा रहा है वो इसी के लिए। तो यहाँ चाइना का प्लान क्या है कि अगर इन फ्यूचर जो है हमारी नेवी ने, इंडियन नेवी ने यहाँ कभी कोई ब्लॉकेट किया तो चाइना की इकोनॉमी सर्वाइव कर जाए, उसको एक नया रूट मिल जाए, इसीलिए जो है चाइना इस वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव पर काम कर रहा है। सो सिर्फ और सिर्फ जो है ये इंडिया के एडवांटेज को कम करने के लिए किया जा रहा है।
तो वन बेल्ट वन रोड में क्या हो रहा है कि एक नया पोर्ट जो है पाकिस्तान में बनाया जा रहा है, ग्वादर पोर्ट, और साथ में एक नया रास्ता ढूंढा जा रहा है कहाँ पे अपनी नॉर्थ पोल से जो होते हुए जाता है नॉर्दर्न सी रूट जिसको बोलते हैं आर्टिक में जो है वो। और जब ये चीज़ें आपके पास हो जाएंगी, चाइना के पास तैयार हो जाएंगी, तो चाइना को क्या मिल जाएगा? एक अलग ऑप्शन मिल जाएगा स्ट्रेट ऑफ मलाका के अलावा। तो भारत कभी यहाँ पे ब्लॉकेट कर दे तो चाइना के पास जो है ये दो और ऑप्शन यहाँ पे खड़े होंगे, जिससे जो है अपनी इकोनॉमी को जो है वो बचा लेगा। तो यहाँ ये दोनों ऑप्शन, हालांकि सी वाले रूट जितने सस्ते नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन चाइना के पास यहाँ पे आ जाता है। अब जो हम बात कर रहे हैं एक नॉर्दर्न सी रूट की, उसको भी देख लेते हैं। तो यह है उसका मैप। तो यहाँ से जो है चाइना जो है इसको कनेक्ट करते हुए इस तरीके से जो है जाना चाहता है, और इधर से जो है वो यूरोप तक जो है पहुँच जाएगा। तो ये उनका प्लान है, ये एक सी रूट यहाँ मिल जाएगा। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम यह है कि क्योंकि ये नॉर्थ पोल वगैरह से जाता है, इधर आप देख रहे हैं ये नॉर्थ पोल है, तो क्या होगा, यहाँ पे बर्फ़ जमी रहती है। तो साल के 3 महीने 6 महीने ही जो है मौका मिलेगा कि आप जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अब हालांकि ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से हो रही है, जिस तरीके से पोलर आइस कैप मेल्ट हो रही है, उससे चाइना को ये लग रहा है और साथ में रशिया को भी ये लग रहा है कि ये रूट जो है अब 8 से 10 महीने भी जो है खुला रहेगा। तो ये चीज़ जो है उनके लिए अच्छी है, तो उनके लिए ग्लोबल वार्मिंग अच्छी है, बाकी दुनिया के लिए भले ही वो बुरी है। तो यहाँ एक फ़ायदा जो है रशिया और चाइना दोनों को मिल सकता है। अब एक यहाँ पे दिक्कत ये भी है कि इधर आ जाता है अलास्का जो कि अमेरिका का है, तो अमेरिका से कोई पंगा हो जाए तो अमेरिका जो है यहाँ पे ब्लॉकेट कर सकता है, पर ये चीज़ इजी नहीं होगी क्योंकि इस तरफ जो है रशिया भी है, लेकिन फिर भी जो है यहाँ इतना सेफ पासेज जो है यहाँ पे नहीं रहेगा। अब जैसे नॉर्थ पोल वाले एरिया की बात की, तो चाइना ने अभी हाल ही में जो है बड़ा सा अपना शिप बनाया है, आइस ब्रेकर शिप, और उसकी टेस्टिंग जो है कर रहा है वो। तो ये शिप जो है अभी 5 दिन पहले ही जो है रवाना किया गया है आर्टिक की तरफ। तो ये क्या करेगा, ये आइस को ब्रेक करते हुए जो है अपना रास्ता तय कर सकेगा, इस तरह का जो है ये शिप बनाया गया है। तो ये चीज़ जो है उसी की टेस्टिंग है कि अगर यहाँ कहीं इंडियन ओशन रीजन में उसको प्रॉब्लम हो तो यहाँ से जो है वो अपना काम चला ले। तो ये आइस ब्रेकर शिप जो है चाइना टेस्ट कर रहा है, अब देखते हैं कि इसके टेस्ट के रिजल्ट जो है कैसे क्या आते हैं। अब एक और चीज़ पर आते हैं, ग्वादर पोर्ट पे। तो ये जो आप देख रहे हैं इधर जो बना है ग्वादर पोर्ट, ये चाइना बना रहा है पाकिस्तान में। और जो एक सिंगल रीज़न है कि भारत क्यों इस वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा नहीं बन रहा है, वो ये कि ये ग्वादर पोर्ट जो है जो बन रहा है उसका जो रास्ता है जो चाइना से होते हुए जा रहा है वो पीओके से होते हुए जा रहा है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये लाल वाला एरिया, तो ये जा रहा है पीओके से होते हुए, और इसी के कारण जो है भारत को ऑब्जेक्शन है। तो अगर ये चीज़ चाइना ना करे तो भारत भी इस वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा खुशी से बन जाएगा, और कोई तकलीफ की बात नहीं है, सिर्फ यही बात है। अब ये बात जो है होना लाजमी है क्योंकि यहाँ पे चाइना के पास जो है कोई और दूसरा रास्ता नहीं कि कहीं और से निकाल ले, तो वो भी इधर से ही निकालने को मजबूर है। अब क्योंकि ये हमारा एरिया है पीओके वाला एरिया, तो यहाँ पे हमारा भी दावा बन जाता है। और एक बड़ा रीज़न अभी जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो यही कि हमने इतनी सारी सड़कें जो है बड़ी तेज़ी से बना रहे हैं, तो वो तेज़ी से बनाने के कारण जो है हमारा इस एरिया में बड़ा ही स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस होता जा रहा है, जिसके कारण भविष्य में हम इस एरिया को हिट कर सकते हैं, पीओके को वापस ले सकते हैं, जो कि चाइना के पूरे इस प्रोजेक्ट को, पूरी इस मेहनत को जो है बड़ा नुकसान पहुंचा देगा। तो यहाँ का पूरा इन्वेस्टमेंट जो है चाइना का बेकार हो सकता है, इधर वाला जो दूसरा उनका चल रहा है वो ज़रूर ठीक रहेगा, पर इधर जो है बड़ी प्रॉब्लम उनको हो जाएगी। अब ये चीज़ ना हो, इंडिया जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ना किया जाए, इसीलिए छोटे मोटे जो है बॉर्डर पर तमाशे किए जाते हैं ताकि एक प्रेशर जो है हम पर क्रिएट किया जाए और हम जो है ये काम को रोक दें। पर पिछली सरकारें रोक देती थी, अब जो है चीज़ें बदल गई हैं, अब यहाँ पर रोका नहीं जाता, जबकि अगर चाइना ऐसी हरकत करता है तो उसकी स्पीड और डबल कर दी जाती है। तो ये एक अच्छी बात है इस समय। तो ग्वादर भी पूरी तरह से सेफ नहीं है, ग्वादर में भी कई सारे इशू हैं, उसको भी समझें। तो इशू सबसे बड़ा ये है कि इंडियन एयरफोर्स की इजी स्ट्राइक रेंज में जो है ये ग्वादर पोर्ट आ जाता है। तो अब जैसे हमने सुखोई में ब्रह्मोस मिसाइल लगा दी है, तो 300 किलोमीटर उसकी रेंज है और वो वॉर रेडी भी हो गई है। तो बिना बॉर्डर क्रॉस किए, बिना जो है हम पाकिस्तान की एयर स्पेस में घुसे भी जो है इस ग्वादर पोर्ट को निशाना बना सकते हैं।
तो ये एक रिस्क वाली चीज़ है चाइना के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। साथ में हमारी नेवी भी है, वो भी वहाँ पे जो है ब्लॉकेट कर सकती है। पर ये ब्लॉकेट करना हमारी नेवी के लिए आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास जो नेवल एसेट हैं वो बड़ी लिमिटेड हैं। तो अगर हम यहाँ पर ब्लॉकेट करते हैं तो हमें अपने कई सारे एसेट्स जो है मलाका स्ट्रेट के एरिया से जो है हटाने पड़ेंगे। ये हमारी एक वल्नरेबिलिटी है कि हमारे पास उतनी क्वांटिटी में सबमरीन्स नहीं है, उतनी क्वांटिटी में डिस्ट्रॉयर्स नहीं है, उतनी क्वांटिटी में फ्रिगेट नहीं है और साथ में एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है कि हम जो है दोनों जगह जो है चीज़ों को बैलेंस कर लें। तो ये हमारी थोड़ी सी कमज़ोरी है, लेकिन फिर भी जो है उससे जो है हम काफ़ी कुछ डैमेज कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब चाइना जो है इसी चीज़ को काउंटर कर रहा है कि अगर हमने यहाँ पर कुछ एक्शन लिया, ग्वादर वाले एरिया में कुछ एक्शन लिया, तो चाइना के पास भी कुछ करने के लिए कुछ विकल्प हो, क्योंकि ये पूरा जो एरिया है वो तो इंडियन ओशन रीजन है। यहाँ से चाइना का जो मेन एरिया है वो तो बहुत दूर है। कहाँ चाइना यहाँ पे है और ये पूरा इंडियन ओशन यहाँ पे। तो यहाँ से आके यहाँ पर लड़ना जो है चाइना के लिए ईजी नहीं है, इट्स नॉट ईजी। तो यहाँ पे चाइना ने क्या किया है, एक छोटा सा देश है नाम है जिसका जिबूती। तो इस जिबूती में चाइना ने एक नेवल बेस अपना बनाया है। तो यहाँ से चाइना का उद्देश्य यही है कि इंडिया ने कभी अगर इस रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश की तो चाइना की नेवी जो है उसको काउंटर कर सके। तो यहाँ पे हमारे दो जगह ब्लॉकेट कर सकते हैं, एक ये और एक वो। तो यहाँ से चाइना का यूरोप से कनेक्शन होता है इस रास्ते से, यहाँ से स्वेज कैनाल से होते हुए यूरोप से उनका कनेक्शन होता है और इधर से जो है उनका गल्फ देशों से होता है। तो हम जो है दोनों ही जगह नेवल ब्लॉकेट कर सकते हैं और चाइना के लिए मुसीबत बढ़ा सकते हैं। इसी को काउंटर करने के लिए चाइना ने यहाँ पे जिबूती में भी जो है एक एयरबेस बनाया है, एक अफ्रीकन कंट्री है। इसके पास में जो है हम भी बना रहे हैं, हमारी भी जो है बातचीत चल रही है इसी देश के साथ, जिसको हम अच्छी तरीके से काउंटर कर रहे हैं। अब ज़रा नई परिस्थितियों पर आते हैं कि अब जो है नए परिस्थिति किस तरह की बन रही। तो यहाँ पे हमने क्लियरली देख लिया है कि भारतीय नेवी का एक एडवांटेज है, यहाँ पे एक एज है हमारा चाइना के ऊपर और इजीली जो है हम वहाँ पे ब्लॉकेड वगैरह कर सकते हैं। लेकिन ये एडवांटेज जो है धीरे धीरे कम हो रहा है। कम कैसे हो रहा है वो भी हमने समझ लिया कि चाइना जो है वन बेल्ट वन रोड बना रहा है, नॉर्थ पोल से एक रास्ता ढूंढ रहा है, जिबूती में जो है एक नेवल बेस बना रहा है, अंडमान के आसपास भी जो है वो कुछ जो है आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ों के कारण जो हमारा पहले क्लियर एडवांटेज होता था वो अब थोड़ा कम हो गया, उतना अच्छा नहीं है। अब इसको मेंटेन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमको थोड़ा और इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अपने नेवल असेट्स में, जो बहुत ज़रूरी है। तो हमारा अगर डिफेंस बजट का हम एलोकेशन देखें तो 65% के करीब हमारा बजट जो है चला जाता है आर्मी के पास, 20-25% जो है हमारा आता है नेवी के पास, और जो है 15 से 16% जो है एयरफोर्स को मिलता है। तो यहाँ हमें अपना नेवल एसेट्स को इनक्रीज़ करना पड़ेगा। हमारे पास इस समय एक ही जो है एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो हमें एटलीस्ट दो हमेशा रेडी पोजीशन में चाहिए ताकि एक पाकिस्तान को एंगेज कर सके, एक चाइना को एंगेज कर सके। और कई बार जब एयरक्राफ्ट कैरियर जो है सर्विसिंग के लिए जाते हैं तो इनकी सर्विसिंग भी महीनों चलती है, तो अगर वो सर्विस वाले पीरियड में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारे लिए बड़ी समस्या हो जाएगी। तो इसीलिए जो एक्चुअल में बोला जाता है कि इंडियन नेवी के पास जो है 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए, ताकि जो है दो हम जो है हमारे पास हमेशा लड़ाई की पोजीशन में रेडी रहें अगर एक सर्विसिंग के लिए भी जाए। तो 3 की जो है रिक्वायरमेंट जो है नेवी ने सरकार के सामने रखी है, एक हमारा रेडी है, 2022 तक जो है एक और रेडी हो जाएगा, तो दो हमारे पास आ जाएंगे। तीसरा बनेगा कि नहीं बनेगा इस पर अभी क्वेश्चन मार्क चल रहा है। साथ में जो है हमें ईरान से जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको बड़ा तेज़ी से जो है करना पड़ेगा। अभी तक जो है स्थिति स्लो चल रही है, कारण बहुत सारे हैं, ईरान पर प्रतिबंध लगा हुआ है, सबसे बड़ा कारण वही है। तो हमारा जो इरादा है कि ईरान के रास्ते जो है हम पहुंच जाएंगे सेंट्रल एशिया में और अफगानिस्तान में, तो वो हमारा काम स्लो चल रहा है। तो इसको हमें तेज़ करना पड़ेगा, हमें कुछ डिप्लोमेटिक रूट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ कोशिश करनी होगी अमेरिका के साथ बातचीत करके कि हमारे लिए जो है कुछ एक्सेप्शन वहाँ पे ऐड करे ताकि जो है चीज़ें ठीक हो, क्योंकि चाइना भी अमेरिका का भी दुश्मन है। तो उसको समझाना पड़ेगा कि जितना आप चाइना के अगेंस्ट जाओगे उतना जो है, जितना आप ईरान के अगेंस्ट जाओगे उतना ही ईरान पाक चाइना की तरफ होता जाएगा, तो इससे लॉस हमारा ही है। तो ये चीज़ का जो है हमें ध्यान रखना होगा।
अब एक और चीज़ जो है हम काउंटर कर रहे हैं कि हम समझते हैं कि हमारे नेवल एसेट्स जो हैं वो लिमिटेड हैं, हम जानते हैं। इसी को काउंटर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे बना रहे हैं क्वाड, चार देश जो है एक साथ आ रहे हैं और जो है उनका लॉजिस्टिक्स शेयरिंग एग्रीमेंट हो गया है, नेवल बेस शेयरिंग एग्रीमेंट हो गया है। तो हमारा एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ हो गया है, हमारा जो है अमेरिका के साथ हो चुका है, हमारी बातचीत चल रही है कि जापान से भी कर लें। तो ये सारी चीज़ें जब हम कर लेंगे तो सर्वेलेंस वाला काम जो है बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, डेटा शेयरिंग का काम बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, उससे जो है ओवरऑल हमारी नेवल स्ट्रेंथ भी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो एक अनऑफिशियल जो है क्वाड अलायंस जो है वो धीरे धीरे बनाया जा रहा है। ऑफिशियली इसकी घोषणा नहीं की जा रही कि हम कोई चाइना के अगेंस्ट जैसा बना रहे हैं, पर क्लियरली जो है समझदार आदमी समझ सकता है कि इरादा क्या है। तो यहाँ जो है ये क्वाड अलायंस बनाया जा रहा है और इससे जो है इन फ्यूचर जो है हमें चाइना को काउंटर करने में काफ़ी मदद मिलेगी। अभी जैसे हम रिसेंटली भी देखें तो क्या चल रहा है, तो अभी जो हमारा गलवान में इशू हुआ उसके बाद इमिडिएटली जो है अमेरिका ने अपना डिप्लॉयमेंट साउथ चाइना सी में बढ़ा दिया, साथ में जो है जापान ने भी अपनी यहाँ मिसाइलें तैनात कर दी, ऑस्ट्रेलिया ने भी एक्टिविटी बढ़ाई। तो इससे क्या होता है, इससे फ़ायदा हमें ये होता है कि जब ये सारे देश एक्टिव हो जाते हैं तो चाइना को भी इनको काउंटर करने के लिए अपने रिसोर्सेस लगाने पड़ते हैं। तो क्या हो जाता है कि चाइना जो है अपने ज़्यादा रिसोर्सेस भारत के खिलाफ यूज़ करने की पोजीशन में नहीं होता है। तो ये भी हमारे लिए एक एडवांटेज वाली पोजीशन हो जाती है कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक अलायंस है बड़े बड़े देशों के साथ वो बहुत अच्छा है। अब अगर हम यही चीज़ चाइना के केस में कंपेयर करें तो चाइना के पास जो है चाइना का साथ देने वाले जो देश हैं उनमें एक पाकिस्तान आता है और एक नॉर्थ कोरिया आता है, इसके अलावा कोई ढंग का देश नहीं है जो कि जो है चाइना का साथ दे। और पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया हम जानते हैं कि दोनों ही एक फेल्ड स्टेट हैं। तो हम जो है सफिशेंटली जो है काउंटर कर रहे हैं, चीज़ें जो हैं बैलेंस हैं, लेकिन भविष्य को देखते हुए हमें अपनी नेवी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। तो इसी के साथ जो है आज की बात मैं ख़त्म करता हूँ। इस पर जो है आप अपने विचार कमेंट्स में रखिए, वीडियो अच्छा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे, जय हिंद।